अगली खबर भोपाल से है, जहां 27 साल की युवती अपना गुस्सा मिटाने के लिए शरीर पर टैटू गुदवाती है। पुराने शहर की रहने वाली इस युवती को जब भी गुस्सा आता है वह टैटू बनवाने पहुंच जाती है। 2.5-3 साल से उसके व्यवहार में बदलाव आया है, लेकिन 6 महीने से उसे टैटू बनवाने की सनक सवार हो गई है। हाथ पैरों और शरीर के दूसरे हिस्सों पर 6 महीने में ही 70 टैटू बनवा चुकी है। युवती की मनोदशा से परेशान परिजन उसे मनोचिकित्सक को दिखा रहे हैं। युवती का इलाज कर रहे मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी बताते हैं कि वह तनाव आने पर अपने शरीर पर परमानेंट टैटू बनवा लेती है। काउंसलिंग के दौरान पता चला कि टैटू से मिलने वाला दर्द उसे अपने होने का एहसास कराता है। युवती खुद भी यह मानती है कि उसकी टैटू बनवाने की आदत उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वह आवेश में ऐसा करती है। अब वह इस गुस्से के बाद टैटू बनवाने की सनक से बाहर आना चाहती है। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी ने बताया कि युवती अपने शरीर पर अजीबोगरीब आर्ट बनवाती है, कहीं पिस्टल, कहीं सांप, जंजीर तो कहीं मकड़ी। टैटू का डिजाइन भी वह बनाकर ले जाती है। हर बार के गुस्से में उसके शरीर पर एक नया टैटू बना दिखता है। खास बात यह है कि वह अपनी बॉडी पर परमानेंट टैटू बनवा रही है। डॉक्टर त्रिवेदी कहते हैं कि वैसे तो टैटू का अपने शरीर पर गुदवाना मानव सभ्यता में हजारों सालों से है। समय के साथ इसके उद्देश्य में काफी बदलाव आया है और समाज में हुए बदलावों का साक्षी रहा है। पहले दुरात्माओं, कैदियों, अपराधियों को गोद दिया जाता था, लेकिन आज के समय में यह स्टेटस सिंबल बन चुका है। हालांकि मनोचिकित्सकों का मानना है कि कई मानसिक अवस्थाओं में भी लोग टैटू बनवाते हैं। मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि टैटू बनवाने वाला हर व्यक्ति मानसिक समस्या का शिकार नहीं होता, लेकिन कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज, नोवेल्टी सीकिंग में भी यह देखा जाता है। वे बताते हैं कि ऐसी समस्याओं में मूड के बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। व्यक्ति कई बार चाहता है कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन रहे। टैटू बनवाना वैसे तो बेहद नॉर्मल फिनोमेना हो सकती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी साइकेट्रिक कंडीशंस होती हैं जिनमें टैटू कहीं ना कहीं इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि कोई अंडरलाइंग स्ट्रेस है। अगर मैं मनोविज्ञान के लिटरेचर की बात करूं तो उसमें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर और एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में लोग टैटू बनवाते हैं। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।